धमतरी जिले के अंबरी गांव में इन दिनों डायरिया के प्रकोप से ग्रामीण काफी परेशान हैं। बता दें अभी तक ग्राम में 21 लोग डायरिया के चपेट में आ चुके हैं, जिसमें कुछ ठीक हो गए जबकि 12 लोग अभी भी उपचार केंद्र में हैं। बताया जा रहा है कि गांव के लोग जिस पानी को पी रहे हैं उसमें नाले का भी पानी मिश्रित होकर उससे दूषित कर रहा है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में लगातार डायरिया का शिकार हो रहे हैं। इस पूरे मामले की खबर स्वास्थ्य विभाग को लगते ही डॉक्टरों की टीम अवरी गांव पहुंची और घर घर में सर्वे किया। सर्वे में गंदे पानी पीने के चलते ही डायरिया का होना बताया। इसी के तहत तत्काल ग्राम में 24 घंटा उपचार कैंप लगाया गया। वहीं CMHO कुरुत सिविल अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित लोगों से उनका हालचाल जाना गया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को साफ सफाई के साथ रहने, खान पान में सफाई रखने और पानी को उबाल कर पीने की हिदायत दी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। प्रारंभिक जांच में DMO और उनकी टीम द्वारा कल सर्वे से पता चला है 12 केसेस अभी तक 21 केसेस पूरा रजिस्टर हुए थे, उसमें से 12 जो है ना एडमिट हुए CSC में और क्रूद में, बाकी सब लोग को दवाई वगैरह दे करके ORS जिंक टेबलेट दे करके टीम द्वारा सबका इलाज किया गया। और आज मेरे द्वारा भी भ्रमण करने पे और सिविल हॉस्पिटल क्रूद में भी मेरे द्वारा निरीक्षण करने पे पाया गया भर्ती मरीज जो 8 वहाँ पे 12 हैं वो सब ठीक हैं, सामान्य स्थिति में हैं, कोई गंभीर नहीं है। और औरी ग्राम में आने से ये भी पता चल रहा है कि आज के डेट में सिर्फ सुबह से अभी तक मात्र एक ही केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं अपने OPD में जहां संचालित हो रहा है कैंप। हमने आसपास के RHOs और RMA की ड्यूटी लगाई है कंटिन्यू DMO द्वारा और सतत घर घर जाके अलग से मितानिन और RHOs भी सर्वे कर रहे हैं। इससे यही पता चल रहा है कि पीने के पानी का थोड़ा गंदा था, यह जांच में पाया गया है। उसका सैंपल एकत्रित करके PHE के अधिकारी कर्मचारी भी आए हुए थे, उन्होंने लिया, उनको सैंपल को सौंपा गया। जांच करने के बाद पता चल सकता है कि पानी में वाकई गंदगी था या क्या था। ये जो नली का पानी है वो आ रहा है, पहले से जो कनेक्शन फिट किया है किए थे वो ऊपर में था और अभी जो कनेक्शन फिट किए हो नीचे में है, तो ऊपर वाले पहले बंद के नाली कनेक्शन के हो बंद है, नीचे वाला का बहाव ज़्यादा है, तो कोई नाली लीकेज होगा तो पीए के पानी में जाकर वो प्रदूषण फैला रहा है। ऐसे अभी 15-20 आदमी के आसपास आया है सुनाई में, डॉक्टर कल से पहुँचे हैं नया, इसका जिम्मेदारी हम किसको ठहराएंगे? कल सरपंच आए थे, सचिव आए थे, वही लोग इसका देखभाल कर रहे हैं नाली का। इसका शिकायत हम लोग पहले नहीं किए थे, पहले बार हुआ है, अभी ये कल परसों से चालू है।